नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज। गाजीपुर के जमानिया क्षेत्र के शेरपुर गांव की रहने वाली अभिनेत्री रचना सिंह ने महिला सशक्तिकरण पर आज मीडिया के सामने अपनी बेबाक राय रखी। रचना ने कहा कि महिलाओं को किसी दूसरे पर आश्रित न होकर स्वावलंबी बनना चाहिए। सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान पर अपनी राय रखते हुए रचना ने कहा कि महिलाओं का सम्मान न केवल 9 दिन या 6 माह बल्कि 365 दिन किया जाना चाहिए और महिलाओं को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। बॉलीवुड में पुरुष प्रधान फिल्मों पर बोलते हुए रचना सिंह ने कहा कि अब बॉलीवुड का कल्चर भी बदल रहा है और महिला प्रधान फिल्में भी बन रही है। एक छोटे से गांव से मुंबई तक की यात्रा के बारे में बताते हुए रचना ने कहा कि यदि दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो छोटी जगह कहीं से भी प्रगति में बाधा नहीं बन सकती है। गाजीपुर पत्रकार एसोसिएशन में शनिवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूबरू होते हुए जनपद के जमानिया तहसील स्थित शेरपुर गांव की रहने वाली अभिनेत्री एवं मिस इंडिया मोस्ट पॉपुलर फेस 2018 रचना सिंह ने अपने अभिनय के दम पर महानगरी में धूम मचाई। गाजीपुर के एक छोटे से गांव की बेटी ने न सिर्फ सपने को पूरा करने की ठानी बल्कि पर्दे पर पहुंचकर अभिनय के दम पर सफलता भी प्राप्त कर रही हैं। आज उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान क्या कहा, आइए सुनते हैं। हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगी कि सिर्फ 9 दिन नहीं 365 दिन इसके लिए काम किया जाए। 9 दिन पूजा करने से, 9 दिन कुंवारी कन्याओं को खिलाने से और 9 दिन देवी माता का पूजा प्रसारण और बहुत सारी चीजें, तमाम चीजें करने से और 9 दिनों तक स्त्रियों को सम्मान देने से सम्मान नहीं मिलेगा। 365 दिन देना पड़ेगा। और देवी का मतलब ये तो नहीं हुआ कि आप सिर्फ 9 दिन पूजा करें तो देवी आपके घर आ जाएंगी। महिला सशक्त, वही बोल रही हूँ कि समाज में हर जगह महिलाओं के साथ कहीं ना कहीं न्याय नहीं मिल पा रहा उनको। जिस तरीके से उनको सम्मान, जगह और उपलब्धियाँ जिस तरीके से मिलनी चाहिए, शायद वो उस लेवल पर नहीं जा पा रही हैं। बॉलीवुड में भी शायद अभी पुरुषों को पहले की तुलना में कहीं देखा जाए तो पुरुषों को बहुत ज़्यादा अहमियत मिलती आ रही है। अभी थोड़ा सा बदलाव आया है, थोड़ा सा बेहतर हुआ है। अभी महिला प्रधान मूवी भी बन रही है, लेकिन मुझे लगता है कि और इस पर काम करने की ज़रूरत है। और मैं एक छोटे से गाँव से बिलोंग करती हूँ, मैं एक छोटे से गाँव, एक छोटे से कस्बे, एक छोटे से जिले से मैं वहाँ पे जाती हूँ, तो मुझे लगता है कि पहली बात तो अगर इरादा बहुत मजबूत है तभी वहाँ पे पहुँची हूँ। और बेशक इसके लिए माया नगरी में 3D कल्चर अपनाया जाता है, ड्रिंक डाइट एंड डांस, अगर ये तीनों है तो आप सर्वाइव कर पाएंगे। तो कैसे आप सर्वाइव? ये क्वेश्चन सही है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, क्योंकि देखिए करने वाले गलत कर रहे हैं इसी समाज में और करने वाले सही भी इसी समाज में कर रहे हैं। तो ये अपने इच्छा और अपने डिसीजन का होना चाहिए। मेरा ये डिसीजन नहीं है कि मुझे वो चीज़ अगर नहीं पसंद है तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती हूँ और ना मेरी ज़िंदगी में मैं उसको अप्लाई करती हूँ। जिस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, शरीरा गोली मार दी जा रही है, जी क्या मतलब पुरुष ही केवल दोषी होंगे गोली मारने का कि महिलाएँ भी होती होंगी? सर, अब कुछ चीज़ें, कुछ घटनाएं ऐसी होती है कि बिना उसके पूरी तरीके से उसकी जानकारी लिए बगैर हम एग्जैक्ट बातें नहीं कह सकते, एग्जैक्ट कोई भी जवाब नहीं दे सकते जब तक कि उसकी पूरी तरीके से जांच ना की जा सके। लेकिन अगर घटनाएं हो रही हैं तो कहीं ना कहीं गलतियां समाज में तो हो रही हैं। अब इसमें महिलाओं का किस हद तक हाथ है और पुरुषों का किस हद तक हाथ है, ये जाँच के बगैर मैं कुछ उस पर ऐसा कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहिए। हरियाणा में एक काले से निकल रही लड़की है, उसको शरीरा गोली मार दी गई, जी क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? सर, ये सबसे पहले तो बहुत दुख की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और गोली मारना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इस तरह सरेआम गोली मारना ही नहीं चाहिए और जिन्होंने मारा है उनको पूरी तरीके से कहीं ना कहीं सख्त उनको सजा देनी चाहिए। और उससे पहले उस जो भी दिक्कत है उसकी अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से जाँच करनी चाहिए और उस पर फिर कार्रवाई करनी चाहिए। बताया जा रहा है कि उसमें जो है धर्म परिवर्तन और शादी के लिए दबाव बनाया जाता है, लड़की नहीं मान रही थी, उसके बाद इस तरह के कारनामे को अंजाम दिया गया। तो ये बहुत बेहद दुख की बात है, ये मैं इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, क्योंकि 18 साल के बाद अगर सरकार ने नियम बनाया है कि अगर हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं तो बेशक मैं एक अच्छे परिवार से आती हूँ, एक अच्छे जगह से आती हूँ, तो मैं इस चीज़ को ये भी नहीं बोल सकती कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी करें। लेकिन अगर आप सही हैं तो उसको उचित तरीके से, उसको अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से उसको सोचा समझा जा सकता है। सरेआम गोली नहीं मार देनी चाहिए किसी को भी, क्योंकि सबका अपना हक है, सबको राइट है कि अपने ज़िंदगी का डिसीजन वो ले सके। योगी सरकार फिल्म सिटी जो है यूपी में बनाने की बात कर रही है, क्या लगता है, मतलब क्या उम्मीदें हैं? अब पहले बन जाए तब
सर फिर कुछ बोला जा सकता है, क्योंकि अभी फिलहाल बातें तो हो रही हैं, मुझे भी सुनने में आया और काफ़ी टाइम से सब सुनने में आ रहा है, लखनऊ में भी और बनारस में भी आजकल सुनने में आया कि फिल्म सिटी बनने वाली है, लेकिन कब तक बन जाएगी अब इसकी तो जानकारी मुझे भी नहीं है। कोशिश और उम्मीद करती हूँ कि जल्दी बन जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि हमारे यूपी में समाज को और बेहतर प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है। क्या लगता है कि बॉलीवुड जो है यूपी में रुख करेगा? बेशक, क्योंकि जिस तरीके से अपराध और बाकी सारी चीजें दिखाई दे जी, बेशक करेगा, क्योंकि देखिए मुंबई है एक तरीके के हब बनता चला गया, हब बन चुका है वो बेशक, लेकिन आज के जमाने में कॉमर्शियल फिल्मों से ज्यादा रियलिस्टिक फिल्मों को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। मिर्जापुर जैसे वेब सीरीज देख रहे हैं कितने टॉप पे चल रही है, एक देहात की एक गांव की कहानियां चल रही हैं उसमें, एक मिर्जापुर जैसे जंगल एरिया में और फिर एक तमाम आम जिला जगह पे है और उस तरीके से एक आम रोड पे आम रास्ते पे फिल्म बनाई गई है और वेब सीरीज जो बनाई गई वो बहुत ही अच्छे लेवल पे चल रही है और बहुत अच्छी कमाई भी और बहुत अच्छे तरीके से वो फेमस भी हुए हैं। तो मुझे लगता है कि अभी कॉमर्शियल टाइम की फिल्में थोड़ी सी टाइप की फिल्में थोड़ी कम हो रही हैं, अब लोग रियलिस्टिक चीज़ों पे इंटरेस्ट लेने लगे हैं, जैसे अक्षय कुमार जी हैं, आयुष्मान खुराना जी, तो ये दो चार लोग हैं जो रियलिस्टिक चीज़ों पे काम कर रहे हैं। समाज की जैसे टॉयलेट एक प्रेम कथा बनी और बहुत सारी ऐसी फिल्में बनती आ रही हैं, आयुष्मान खुराना की बहुत सारी ऐसी फिल्में आपको मिलेंगी जिसमें आपको रियलिटी दिखाई जाएगी, समाज के निचली स्तर से लेके उचले स्तर तक की पूरी सारी चीज़ें उस तरीके से साक्षात्कार किया जा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि वो बेहतर।